प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। एलेना नाम की लड़की थी, उसने कहा था मुझे ब्रह्मचारी का वीर्य चाहिए। बोला बहन आपका रॉन्ग नंबर डायल हो गया, आप कहीं और जाए। तांडव मचा हुआ इस टाइम और पूरी दुनिया में एक ही चीज है, देसी टार्जन, देसी टार्जन। गाय के नाम पे मुद्दा बनाया जाता है, गाय की रक्षा, लेकिन आयोग भी बनते हैं, लेकिन मुद्दे मार दिए गए, मुद्दों की हत्या कर दी गई। तो हम मुद्दे की हत्या नहीं होने देंगे और मुद्दे को मुद्दा नहीं पड़ने देंगे। पहली मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, गौ माता का दिवस लागू हो, और हमारी तीसरी मांग है जो हरपुर जाट जुलानी वाले गौ भक्त गौ रक्षक उनके हर जिले में हरियाणा में लाइब्रेरी बने, ताकि नौजवान युवक युवती गौ माता की महिमा को समझ सके। चरित्र सामने मनोहर लाल मुख्यमंत्री का आवाज देख रहे और सामने सपाटे शुरू हो गए, सपाटे ही, और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई ज्ञापन लेने नहीं आएगा। सपाटे तब तक चलते रहेंगे। आपने ऐसा फला देखा जो 24 घंटे लगातार सपाटे लगा सकता हूँ, पुशअप लगा सकता हूँ? आठवां अजूबा है दुनिया का फौलाद है, 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम, टार्जन टार्जन पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, टार्जन टार्जन। हाँ। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी इंटेलिजेंस होगी, सीआईडी होगी, यहाँ पे दर्शन जी खड़े हैं, इनको भी दर्शन हो गए, ऐसे फौलाद के सौभाग्य आपका। हाँ। तो ये जो दर्शन करवाए गए हैं ये मुख्यमंत्री जी तक बात ना पहुंची तो इसीलिए करवाए गए। वो हमारे राजा है और राजा का परम कर्तव्य बनता है कि प्रजा की बातों को सुनना और उन पर अमल करके अगर वो राष्ट्र के हित में कार्य कर रहे हैं तो उन पर मोहर मारना। अगला टारगेट है 50,000 सपाटों का। धरती माता को नमन करके शुरू हो गया देसी टार्जन करनाल की, जो चार खंबा चौक मार्केट है रामनगर मार्केट करनाल की लाइव है भाई। ये आप देखो देसी टार्जन एक ज्ञापन देने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री को और उसमें गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और गो दिवस लागू किया जाए। तो ये एक मुहिम चला दी है, पत्रकार साथी भी आगे करनाल के, धन्यवाद इन भाइयों का। तो फिलहाल आप देखो जितने भी दर्शक वीडियो ने शेयर करते रहिए अपनी माँ खातर, माओ की माओ के लिए। चलो जी, स्पीड के मामले में और फुर्ती के मामले में, स्टेमिना के मामले में पूरी दुनिया को वो फिलहाल जो देसी चैलेंज दे दिया है जंगलों में 16 साल रहकर आए, देख सकते हैं पार्टी को सपाटा सम्राट और ये जो मार्केट है भाई रामनगर की मार्केट, उससे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो। बोल बेटा पीछे को आगे इधर आ जा, नीचे हो कहाँ ऐसे रोल कर मार्केट की भाई। ये पूरे हरियाणा में दौरा देखा जा रहा है। बिल्कुल भाई, देखो आप पत्रकार साथियों का दिल से धन्यवाद है, जो ये आप देख रहे हो ना ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाँ। कल्पना को साकार करने वाला व्यक्ति नहीं देखा तो देख लो, असंभव को संभव करने वाला व्यक्ति नहीं देखा हो तो देसी टार्जन देख लो। हाँ। और यदि आठवां अजूबा नहीं देखा हो तो देसी टार्जन देख लो। हाँ। अब आप पूछोगे भी ताकत कहाँ से आती है, 24 घंटे लगातार पुशअप लगा सकता है, 24 घंटे सपाटे मार सकता है, सपाटा सम्राट है, देसी टार्जन है, संजय पहलवान हरियाणा का लाल है, कुशक बड़ोली पलवल का, और इसमें जो ताकत है वो ब्रह्मचर्य की ताकत है और देसी गाय का मूत्र और दूध, मूत्र और दूध से बनी खीर घी उसकी ताकत है। अच्छा। और अपनी माँ को जन्नी माँ से ज्यादा आंचल इसने अपनी गौ माता के उसमें रहा है ये। और ये इसकी खासियत है कि भाई ये अखंड बाल ब्रह्मचारी है, शुद्ध शाकाहारी है, ऐलान जंग है, एक तरफ मांसाहारी एक तरफ ये शाकाहारी, एक तरफ है बिगनचारी एक तरफ ये ब्रह्मचारी, एक तरफ टिक्के इंजेक्शन स्टोराइड क्रिएटिन लेने वाले, एक तरफ है ये गौमूत्र और दूध पीने वाला फौलाद। किसी ने फौलाद नहीं देखा हो तो कैमरा आपका जाना चाहिए इस फौलाद पे। आप ये आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौ दिवस लागू किया जाए करनाल का रामनगर से। लाइव आप देख रहे हो सारी तस्वीरें, रिकॉर्ड बना रखे भाई इन्होंने, 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं भाई, 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक इसका। देखो एक ब्रह्मचारी को क्या चैलेंज देना, ये गौ भक्त है और इसने इसके रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता पता है, ये खुद इसके रिकॉर्ड खुद अभी इसने चैलेंज दिया भाई ब्रॉक लेसनर को, रोमन रेंज को, जॉन सेना को। अच्छा। हाँ कह दिया भाई आओ मेरा बराबर का स्टैमिना काट के दिखाओ। हाँ। और रोमन रेंज ने आज तक उसका रिकॉर्ड है 7,800 सपाटे। अच्छा। उसने लगाए थे एक बार। हाँ। लेकिन उन्हें स्टोराइड लिया होगा, टीके लगवाए होंगे। हाँ। हम दावा कर सकते हैं इस बात का। हाँ।
और ये 8,100 सपाटे इन्होंने लाइव लगाए, 8,100 हाँ इनके चैनल पे लाइव पड़े हैं संजय को भक्त के चैनल पे। तो अभी पांच करोड़ के ऑफर को ठोकर मार दी पेय कंपनी थी, ड्रिंक कंपनी, वो कहने लगे हमारा नाम ले देना भाई, हमारा ड्रिंक पी के इतना स्टेमिना है। 5 करोड़ के ऑफर को ठोकर मार दी। एलेना नाम की लड़की थी, अमेरिका से लैंडलॉर्ड थी, उसने साथी का ऑफर दिया था, उस साथी लैंडलॉर्ड थी वो, उसने कहा था मुझे ब्रह्मचारी का वीर्य चाहिए, तो ये ब्रह्मचारी है, तो इसने कहा मुझे बहन कह दिया उसको, बोला बहन आपका रॉन्ग नंबर डायल हो गया, आप कहीं और जाए, बोला मैं तो अपनी गौ माता के लिए संकल्प ले चुका हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया साथी के ऊपर। और एक बात हो रहा है भाई, एक बात हो रहा है, इसका 5 घंटे के वर्कआउट के बाद इसमें स्टेमिना डबल हो जाता है, हाँ इसके शरीर में से आग निकलने लगती है, धुआं निकलने लगता है, कल परसों की वीडियो है, इसके शरीर से आग निकल रही थी, और ये इसलिए हो सकता है ये ब्रह्मचर्य की ताकत, ब्रह्मचर्य की अग्नि है। वीर्य यदि बाहर ना निकले, डीएनए टेस्ट हुआ, वीर्य बाहर नहीं निकलने दिया, और वीर्य यदि बाहर ना निकले तो दिमाग में चढ़ जाता भाई, तो आदमी पागल हो सकता है, इन्हें अपनी मेहनत से उन वीर्य को अंदर रमा दिया, ये बन गया वीर्यवान। अभी देखो 8,100 का है, एक यात्रा निकालेंगे चंडीगढ़ से दिल्ली की, 15,000 सपाटे लगाएगा, 50,000 सपाटे और लगाएगा, ये कोई एक दिन स्टेडियम में पहुंचे साथ में ब्रिज का कंपटीशन करने आया था, हाँ कोई भी कंपटीशन देखो इन जैसा कोई नहीं, ये बिरला है, अद्भुत है, अद्वितीय है, कोटि है, इसने अपने आप को साबित कर दिया भाई, आओ किसी ने माँ का दूध पिया तो 50,000 सपाटे, अभी अभी आप देखो मुख्यमंत्री के निवास की ओर रवाना हो गए देसी धर्म में, आप देखो और ये 50,000 सपाटे भी लगाएंगे, 15,000 सपाटे बीच में लगाएंगे, ये आप तस्वीरें देख रहे हो, बढ़िया भाई ये तस्वीरें आप देख रहे हो, देसी टार्जन मुख्यमंत्री निवास की ओर रवाना। जंगलों में रहते थे पहले भाई, ये जंगलों में रहा है, 9 साल का था जब जंगल चला गया था, 16 साल से जंगलों में, 25 साल इसकी उम्र है, और ये फौलाद ऐसा फौलाद है जो आपने किताबों में देखा होगा, लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, बिल्कुल वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, इस बंदे देखो इस देसी टार्जन ने पूरी दुनिया की चोंच तोड़ दी, और बगड़ बम ला दिया दुनिया में, बगड़ बम तांडव मचा हुआ इस टाइम, और पूरी दुनिया में एक ही चीज है देसी टार्जन, देसी टार्जन, बात नहीं करेंगे ये, बात नहीं करेंगे ये, बात नहीं करते, काम करते हैं ये, करके दिखाते हैं, बात तो अपने पत्रकार साथी करने लग रहे हैं, तो ये सिर्फ करता है, मेहनत करता है, इसके अंदर रोम रोम में एक ही आवाज निकलेगी रोम रोम से, कि मुझे अपनी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना है, मैंने अपनी गांव एक गौ माँ को बचाना है, मैंने अपनी गाय के नाम पे गौ दिवस लागू करवाना है, ये अखंड बाल ब्रह्मचारी का अखंड संकल्प है, और ये तब और आज तक अन्न नहीं खाया इन्होंने, ये अन्न उस दिन खाएगा जिस दिन गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा। 50,000 सपाटे और लगाएंगे, पहले बीच में 15,000 सपाटे लगाएंगे यात्रा में, जो चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा होगी ना, उस यात्रा में 15,000 सपाटे लगाते हुए दिल्ली के इंडिया गेट पर सपाटे लगेंगे, और ये अनोखा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, इस जैसा विरला मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, धूप नहीं देखता, शाम नहीं देखता, इसको धूप बारिश आंधी तूफान गर्मी सर्दी कोई दिक्कत नहीं, ये फौलाद है। टार्जन का नाम क्या है? देसी टार्जन, अभी आजकल वायरल देसी टार्जन के नाम से डॉक्यूमेंट नेम है संजय पहलवान। तो बात नहीं करते ये पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं मुझे मैंने अपनी स्टेमिना दिखाना है, बातें थोड़ा करनी है, मैं स्टेमिना दिखा रहा हूँ, ये स्टेमिना आप देखो, यार चौक से सपाटे लगाते चलेंगे, अभी थोड़ी देर में आपके कैमरे की नजर इन पे जाएगी तो इनका शरीर लाल हो जाएगा, लाल क्योंकि ब्रह्मचर्य की अग्नि है, और उससे ज्यादा गाय का जो देसी गाय का जो कहते ना भाई ये तो गोबर भगत है, जिनको गौ भक्त गोबर भगत कहते थे, तो सीख लो देसी गाय का गोबर लेपन करके अपनी मसल रिकवरी करता है ये, और इसने साबित कर दी, आपका और मेरा टेस्ट करवा लो सकिन का, अपने फाल्ट पंप मिल जाएगा सकिन में, इसका टेस्ट करवा मैंने 100 की 100 सकिन ओके 100% गाय के गोबर लेपन से, और ये मजाक नहीं है, ये विज्ञान है, गाय एक विज्ञान है, तो है भाई ये रुक एक बार है ना, आपने रोकना है क्या? ये मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन दे रहे हैं, सपाटे लगाते हुए ज्ञापन देने जाएंगे, विषय है गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, और इसके साथ गाय के नाम पे दिवस लागू है, और ये अखंड बाल ब्रह्मचारी का एक संकल्प है, और आप देख ही रहे हो पूरी दुनिया देख रही है ताकत, पूरी दुनिया देसी टार्जन की ताकत देख रही है, हम ये कहते हैं देखो हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं कुछ, लेकिन इतना है जो भी इसको इस गो भगत की इस ब्रह्मचारी की बात को माने तो हम भी कहेंगे साथी चौक के टंके चौक पे गर्दन उठा के आग मिला के हम भी बोलेंगे भाई धन्यवाद, जो भी करेगा जो भी करे, लेकिन गाय के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गाय के मुद्दे को मुद्दा मार दिएगा, मुद्दे की हत्या कर दी गई तो गलत है, गाय के नाम पे मुद्दा बनाया जाता है, गाय की रक्षा
लेकिन आयोग भी बनते हैं, लेकिन मुद्दे मार दिए गए, मुद्दों की हत्या कर दी गई। तो हम मुद्दों की हत्या नहीं होने देंगे और मुद्दे को मुद्दा नहीं पड़ने देंगे। और मैं अपनी पत्रकारिता से हटके इस कैंपेन का हिस्सा भी हूँ, मैं अपनी पत्रकारिता से हटके इस कैंपेन का हिस्सा भी हूँ। गाय को राष्ट्रमाता दर्जा दिलाने में हम भी इस कैंपेन का हिस्सा है। आप पत्रकार साथी भी कैंपेन का हिस्सा है, क्यों? क्योंकि आप दिखा रहे हो दुनिया को, तो आप लोग भी कैंपेन का हिस्सा हो। तो अपने आप में इस देसी तारजन ने अपनी फौलादी ताकत से उन लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ मार दिया जो मांस खा के मिट्टी खा के ये कहते थे बिना हम जैसा ताकतवर नहीं। एक तरफ है मांसाहारी, एक तरफ ये शाकाहारी, एक तरफ है बिगनचारी, एक तरफ ये ब्रह्मचारी, एक तरफ पोडरू पोडर खाने वाले, टिक्के लगवाने वाले और स्टोराइड और क्रेटिन लेने वाले, एक तरफ है अखंड बाल ब्रह्मचारी शुद्ध शाकाहारी देसी तारजन। नमस्कार जी, जी जी आप सपाटे लगा हाँ, राम राम भाई राम, आ जाओ। ये आप देखो, ये फिलहाल आप लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो। जॉकिंग शुरू कर दी है सीएम जो है मुख्यमंत्री निवास की ओर रवानगी आप देख रहे हो। पत्रकार साथी पीछे छूट गए हैं, तो अभी थोड़ा चलो, एक चौक और आएगा बीच में, इस चौक पे और सपाटे इस चौक पे और। तो फिलहाल आप देसी दर्जन अरब मोहित पिछली साइड से हाँ, देसी तारजन इस टाइम करनाल की रामनगर की जो मार्केट है उससे निकलते हुए मुख्यमंत्री निवास की तरफ पहुंचेंगे। एक चौराहा कोई भी है ना उस पर सपाटे लगवा लो। राम राम भाई। रुक जाओ तारजन भाई, यहाँ सपाटे, ये आप देखो तस्वीरों में सपाटे दोबारा शुरू हो गए देसी तारजन के। ये लाइव आप देख लो भाई, ये है मतलब हाँ, हाँ, आपकी जी, जी भाई आज किस लिए पहुंचे करनाल में? ये एक गो भक्त जी संजय पहलवान उर्फ देसी तारजन जंगलों में रहता है, 16 सालों से जंगलों में है और इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया गाय के देसी गाय के दूध में और मूत्र में क्या ताकत है। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, असंभव को संभव कर दिखाया। और आठवां अजूबा नहीं देखा तो आठवां अजूबा है देसी तारजन, जिसके नाम 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 11,000 8,100 सपाटे इन्होंने लगाए लाइव इनके चैनल पे। संजय सिंह गोमत के चैनल है इनका, उस पर 10 घंटे का लाइव है, 10 घंटे में 8,100 सपाटे लगाए। अब एक यात्रा निकालेंगे चंडीगढ़ से दिल्ली की, उसमें गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और गाय के नाम पे दिवस लागू किया जाए। उसमें ये एक यात्रा निकालेंगे जिसमें 15,000 सपाटे 50-250 किलोमीटर की डूरेशन है। करनाल में सीएम साहब को ज्ञापन देंगे जिसमें हाँ ज्ञापन देंगे सीएम साहब की कोठी मांग है गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले और गाय के नाम पर दिवस लागू हो। और अर्पुल चार जुलानी वाला हुआ एक जो कि गोभक्त हुआ है, उसके नाम पर लाइब्रेरी और गाय का विज्ञान समझा जाए। तारजन के लिए खुद के लिए कोई मांग नहीं, खुद की कोई मांग नहीं। जीवन ये गाय से गाय के माध्यम से देसी गाय है, उसके गोबर से मूत्र से दूध से और फलों की फलें खा के और पेड़ पौधों की पत्तियां खा के गोपल खा के उससे और जंगल की जड़ी बूटी खा के। ये तहलका भाई मैं नहीं मचाने वाला, तहलका तो खुद सुनामी और जलजला है, खुद ये सुनामी है जलजला है। देसी तारजन की खासियत ये है बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेपाक चलता रहता स्टेमिना है। ये सपाटा सम्राट है, स्टेमिना मशीन है, पावर मशीन है, स्टेमिना मशीन है, फौलाद है, योद्धा है और सुपरमैन है, पावरमैन है, जो सब तुम कम है। जब से देसी तारजन आया बहुत सारे जो लोग हैं वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, बिल्कुल ये डिजर्व भी करता है, डालनी चाहिए। हमने कहा भाई आप लोगों के पास भी मोबाइल है, ताकत है, तो इस ताकत को दुनिया तक दिखाओ। आप जंगलों में रहते थे, मैंने कहा जंगल में नाचा मोर किसी ने देखा, आप आए हैं शहर की दुनिया में, हालांकि दम घुटता ही था शहर की दुनिया में, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी गाय माता के लिए शहर की दुनिया में आना पड़ा, हालांकि पोल्यूशन भी होता है हर जगह, तो ये आ रहे हैं इसलिए ताकि दुनिया को पता चले गाय के देसी गाय के मूत्र दूध में क्या ताकत है। सुनने में 50,000 सपाटे की पूर्वाभ्यास है, डेली के 5,000 सपाटे लगाते डेली, कोई कंपटीशन नहीं, वैसे लगाते 5,000 सपाटे डेली। और अब इनका मिशन इतना बड़ा हो चुका है कि भाई 50,000 सपाटे भी लगाएंगे। एनर्जी लेवल कैसे बढ़ता है? एनर्जी ब्रह्मचर्य की ताकत। ये आप देखो,
सपाटे जो है वो लगा रहे हैं। देसी पत्रकार और देसी टार्जन दोनों देखिए करनाल में आज पहुंचे हुए हैं और देसी पत्रकार से भी एक बार बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए देसी पत्रकार और देसी टार्जन दोनों इसे वो आज करनाल में पहुंच जाते हैं, जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे रास्ते में जो सपाटे जो है वो लगाए जाते हैं। फिलहाल आप ही देखिए कर्मो भाई आज दोनों देसी इकट्ठे हो गए करनाल में। बिल्कुल भाई, देसी और देहाती देशभक्त हो सकता है भाई, देसी और देहाती देशभक्त हो सकता है, देसी और देहाती गौ माता को बचा सकता है, देसी और देहाती ही अपने संस्कार संस्कृति को बचा सकता है, देसी और देहाती खापों के वजूद को बचा सकता है, देसी और देहाती ही अपने अपने जो अपना वजूद रहा है, जो अपना अस्तित्व रहा है, जो अपना संस्कृति रही है, वो देसी और देहाती दिलेर होता है भाई, वही बचा सकता है। तो इसको मुकाम तक पहुंचाओगे जी? बिल्कुल, अभी पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ देसी टार्जन का। और इन्होंने साबित किया है भाई, ऑफर आएगा 5 करोड़ का ऑफर आ जाएगा एक पेय कंपनी का, ड्रिंक कंपनी की कोई। तो राम राम भाई, इन्होंने साफ मना कर दिया, ये कहने लगे मेरा उद्देश्य है पैसे कमाना नहीं है, मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, गौ माँ की लड़ाई है, गाय माता की लड़ाई है, तो उसको जीतना है, मुझे ये नहीं है कि मुझे 5 करोड़ की जरूरत है। इन्होंने कहा ये 5 करोड़ रुपए यदि आप मेरे को देना चाहते हो ना, तो अपनी गौ माँ के रक्षा में कहीं लगा दो, गाय गौशाला में बांट दो। तो ये कहा इन्होंने। तो अब कितने इतने रिकॉर्ड बना रखे हैं जी? 12 रिकॉर्ड है भाई। अब ये 15,000 से पट्टे लगाएगा वो 100वां रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा जी। नहीं 13वां और फिर 50,000 का तो स्टेडियम के अंदर ऐलान जंग करेंगे, ललकारेंगे, आओ जिसमें हिम्मत है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है आज बराबर में स्टेमिना दिखा। पूरा शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, बचपन से ही अन्न नहीं खाया और इनका एक संकल्प यही है, अन्न उस दिन खाऊंगा जिस दिन गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा जब मिल जाएगा उसी दिन अन्न खाऊंगा। और फिर भी आप स्टेमिना देख सकते हैं कितना है, जो देसी टार्जन है फिलहाल करनाल में सीएम आवास की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आगे आगे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ सपाटे हैं अभी। राम राम भाई। अच्छा ये चौक है ना, इसी से ना सीएम हाउस। अभी थोड़ी देर में देसी टार्जन सीएम हाउस के आगे पहुंच जाएगा और सीआईडी को शायद इनपुट हो भी नहीं होगी। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर है करनाल के रामनगर प्रेमनगर मार्केट की। ये आप देखो देसी टार्जन फिर शुरू हो गया, सुपर सपाटे है भाई, ना कोई सप्ती ना कोई सप्ते, ये सुपर सपाटे है। इसके लिए चाहिए जिगरा, नॉनस्टॉप लग रहा है, मुंह गिल्ला चलने में थक लिए। बिल्कुल, ये देखो बहुत कमाल की बात है आपका, अच्छा सवाल है ये भी, ये तो सोचना भाई ऐसे हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये ब्रह्मचर्य की ताकत है जैसे गाय के मूत्र गोबर की, इनकी आप नकल ना करना क्योंकि ये तो पियो भाई, क्योंकि इसका तो लोहे जैसा लीवर है। कारण क्या है सर? सबसे इस पे तो अजम हो जाएगा, इसका तो लोहे जैसा, इसने अपने आप को फौलाद बनाया है। बच्चे रीस ना करना, बच्चे सपाटों की रीस मत करना भाई। बढ़िया बढ़िया, ठीक हो, बच्चे सपाटे रीस ना करना, बच्चों के लिए यदि आप अडल्ट हो जाते तब ये सपाटे लगाना, शुरू में पूछ थोड़ी बहुत डंड बैठक लगा लो, लेकिन ऐसे सपाटे भाई 18 साल से कम के बच्चे ना लगाओ। आजकल सपाटों का क्रेज सा चल रहा है जी। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे? क्रेज चल रहा है भाई, जैसे जैसे क्या उदाहरण दूं मैं आपको, इसके लिए एक अनुशासन बना दिया, डिसिप्लिन, तो नुए सपाटे का एक अनुशासन है। सपाटा ये है कंप्लीट, जो टार्जन भाई लगाने लग रहे ये सपाटा है। बच्चे क्या करें, सप्ती सप्ते और सपाटे बदनाम करे, सपाटों को बदनाम, कोई दिक्कत नहीं, ये किसी को छोटा बड़ा दिखाने की बात नहीं, ये तो अपनी ताकत दिखाने की बात है। इन्हें बता दिया मैं फुला दूं, तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। अरे भाई गौ का मतलब नहीं अमरीकन है ना, देसी गाय है, अमरीकन का चक्कर नहीं है भाई, कहते अमरीकन का दूध पी कर सोचो तुम। जी जी जी, तो ये आप देख रहे हो थोड़ी देर में कितनी दूरी पे है सीएम हाउस, बस 2 मिनट बाद सीएम की जो निवास है सीएम का, उसके निवास पे पहुंचेंगे देसी टार्जन। ये आप देख रहे हो हिम्मत फुर्ती चित्ते जैसी रफ्तार और चित्ते जैसा स्टेमिना और देसी टार्जन, नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। चलो टार्जन भाई, देसी टार्जन और देसी पत्रकार का कॉम्बिनेशन कैसे हुआ फिर? भाई देसी देहाती दिलेर वही हो सकते देशभक्त, वही देशभक्त हो। ये आप देखो सामने, फिर आप मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचेंगे करनाल,
चौक से बस थोड़ी सी है, पीछे तक दिखा दे भाई। बढ़िया भाई बढ़िया, ठीक हो भाई। तो इस टाइम भाई पूरी दुनिया में टार्जन टार्जन हो रही है और डिजर्व करता है ये। हालांकि शहर की दुनिया में दम घुट है इसका, लेकिन जगाने के लिए आजकल बच्चे चाउमिन पिज्जा बर्गर और डॉग ताता कुत्ता मोमोज मोमजाम में पतन करके करें टार्जन। ये बच्चे को देखो भाई हौसला बढ़ाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए, हौसला बढ़ाते हुए। कौन है? अर्जुन, अर्जुन, चलो चलो। आप देख सकते हैं देसी करनाल पहुंचे और कहीं ना कहीं वही घूमने की तैयारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सीएम आवास में घूमने की तैयारी है, लेकिन सिक्योरिटी आज कहीं ना कहीं सोई हुई है। करनाल सीएम सिटी के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाई। हम कोई हंगामा करने नहीं आ रहे, हम अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ को बचाने के बारे में ज्ञापन दे रहे हैं। ना कोई लड़ाई, ना हो हुल्ला, ना उड़दंगबाजी। ये जो डिसिप्लिन जिस तरह सपाटे अनुशासित है, उसी तरह ये जो ज्ञापन देने का तरीका अनुशासित है। कोई गाड़ी गलौज नहीं, कोई हंगामा नहीं, ये सिर्फ हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। देसी गाड़ी अब सपाटे यहाँ लगे, सामने मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री का आवाज देख रहे और सामने सपाटे शुरू हो गए। सपाटे ही यही बात, थोड़ा थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, पर इधर मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो, इधर बस, यहाँ बस। आज ये आप देखो सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का निवास, ये आप देखो भाई करनाल से लाइव। पर भाई ये स्कूटी थोड़ी साइड में कर दो, ये आप देखो भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास के सामने सपाटे लगते हुए देसी टार्जन के। अभी ये इनका ज्ञापन ये देने आए हैं भाई, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गो दिवस लागू और सहकारी जीवन जियो भाई, अपने देसी गाय से जुड़ो, वो विज्ञान है तो अभी फिलहाल यहाँ और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई ज्ञापन लेने नहीं आएगा। सपाटे तब तक चलते रहेंगे, हाँ तब तक चलते रहेंगे जब तक कोई ज्ञापन नहीं जी। एक मिनट आगे क्या बटला जी, आगे एक बटला जी को दिखा दो पहले, सौ सपाटे एक मिनट बटला जी आ जाओ, बटला जी ना सैकल साहब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर से ज्ञापन लेने कौन आएगा जी? क्या प्रोफाइल इनका, प्रोफाइल तो बताओ क्या प्रोफाइल इनका, सब कुछ यही है। नहीं नहीं ना ओ एस डी, ओ एस डी बात तो ठीक है जी। ओ एस डी साहब को बटला जी बोला ना, बटला जी को बटला जी तो यहाँ कौन है अभी? अच्छा अच्छा तो क्या नाम है? दर्शन जी का नाम नहीं ले रखा है। ये जंगल से आया है, जंगल से आया है, 16 साल जंगल में रहा है। और एक मिनट भाई, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सुनो तो भाई हंगामा थोड़ा, सुनो हंगामा थोड़ा करके आने, कोई ये हंगामा थोड़ा। हाँ पब्लिक क्या कर रही है? पत्रकार है, पत्रकार अरे गाय के लिए है भाई, आप कमाल कर रहे हो, ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आप जो पत्रकार ये सारे गो भगत आ गए, पत्रकार गो भगत बन गए। दर्शन जी एक बार बताओ, एक मिनट को भाई, आपने ऐसा फौलाद देखा जो 24 घंटे लगातार सपाटे लगा सकता हूँ, पुशअप लगा सकता हूँ? 8वां अजूबा है दुनिया का फौलाद है, 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके नाम। अभी 50,000 सपाटे लगा करके रोमन रेंज को, ब्रोक लेसनर को और टाइगर श्रॉफ को चुनौती दी है। आ जाओ मेरे बराबर का इस स्टैम ना, तो एक तरफ है शुद्ध शाकाहारी, एक तरफ है मांसाहारी, एक तरफ है अखंड बाल ब्रह्मचारी और एक तरफ है बिकनचारी, एक तरफ है देसी गाय का मूत्र और दूध पीने वाला फौलाद और एक तरफ टिक्के पोडरू और इंजेक्शन लगवाने वाले और स्टेरॉइड और क्रिएटिन खाने वाले देसी टार्जन। टार्जन 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 क्या मांगे?
मांगे है गौ माता और राष्ट्र माता का दर्जा मिले और गाय के नाम पे दिवस अरे मदर डे फादर डे फ्रेंडशिप डे ब्रेन कार्ड डाल के डे तो मदर डे अपनी माओ की माँ जो है गाय माँ उसका दिवस क्यों नहीं लागू किया जाता। तो ये है इसका ऐलान जंग। अब ये तब खत्म हो गया तब अन खाएगा जब 50,000 सपाटे लगा के अपनी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल चुका होगा तब अन खाएगा ये। मतलब आज सारा दिन यही रहने वाले? नहीं सारा दिन तो नहीं, अब तो ये ज्ञापन देने आए हैं। अच्छा अब तो ये ज्ञापन देने आए हैं जो 50,000 सपाटे वाला तो वो तो एक बड़ा सा स्टेडियम में हम करेंगे, पूरी दुनिया के पत्रकार आमंत्रित करेंगे, रोमन रेंज को भी नेता भेजा है और ब्रोक लेसनर को भी खली भाई को भी ठीक है सबको नेता भेजा है और सारे में किया जाएगा शायद करनाल में संभावना हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री का ग्रह कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी अपनी है तो यहाँ से हम कोशिश करें ताकि प्रधानमंत्री तक बात जाए। और जो ये 15,000 सपाटों की यात्रा निकलेगी वो इंडिया गेट पे सपाटे लगेंगे। अच्छा सप्ते और सप्ती नहीं सपाटे कंप्लीट सपाटे तो ये इंडिया गेट पे लगेंगे और अपने 5 करोड़ के ऊपर को ठोकर मारने वाला है फौलाद। यदि ये स्वार्थी होता तो 5 करोड़ लेके बैठ जाता क्यों जी सरदार जी 5 करोड़ का ऑफर आता इनको एक पेय कंपनी या ड्रिंक कंपनी का मना कर दिया नुबला ये 5 करोड़ नहीं चाहिए मेरा एनर्जी ड्रिंक देसी गाय का मूत्र और दूध है। फिर एक एलिना नाम की लड़की थी अमेरिका से उसने कहा मुझे ब्रह्मचारी का वो चाहिए ब्रह्मचारी 6-7 शादी करनी है तो मना कर दिया नुबला बहन जी आपका रॉन्ग नंबर डायल हो गया आप कहीं और जाइए मेरा तो उद्देश्य ही कुछ और है। एलिना थी लैंडलॉर्ड है अमेरिकन किसी ट्रांसलेटर को लेकर आई थी साथ में इनके साथ बातचीत हुई तो मना कर दिया इन्होंने साहब। फिर इन्होंने एक चीज और सबसे बड़ी बात है दुनिया का पहला ऐसा फौलाद जो देसी गाय का मूत्र डायरेक्ट डाइजेस्ट कर सकता है और मैं सारे पत्रकार से अत्यंत कहूंगा भाई इनकी नकल कोई बच्चा ना करियो क्योंकि ये तो अपने आप को इन्होंने तपाया रमाया है ये वीर्यवान है अखंड बाल ब्रह्मचारी है तो कोई इनकी नकल में सपाटे ना मारियो कोई इनकी नकल में 18 साल से कम बच्चों को कह रहा हूं मैं कोई इनकी नकल में गाय का मूत्र मत पीना अर्क पी लो अर्क गौमूत्र का अर्क वो प्योरीफाई होता है क्योंकि ये तो अपने आपको फौलाद बन चुका है। सुनने में भी आ रहा है कि एक दिन में 2-2 लीटर पी लेते हैं ये 2-2 लीटर मूत्र पी लेते हैं और उस मूत्र को और एक बात और है 2 लीटर मूत्र पीने के बाद पेट नहीं फूलता इनका पेट में वही 12 पैक नजर आएंगे ये 6 पैक वाला नहीं है ये रियल नहीं है ये रियल है अन्न नहीं खाता ये 12 पैक है ये 6 पैक नहीं 12 पैक इनको और शेर जैसा तो लगता है कि इनके प्रयास के बाद जो है गौ दिवस बनाया जाएगा कुछ ऐसा देखो यदि यदि मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया को सुनाई दे रहा है टार्जन पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है टार्जन तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी इंटेलिजेंस होगी सीआईडी होगी यहाँ पे दर्शन जी खड़े हैं इनको भी दर्शन हो गए ऐसे फौलाद के सौभाग्य आपका तो ये जो दर्शन करवाए गए हैं ये मुख्यमंत्री जी तक बात ना पहुंची तो इसीलिए करवाए गए। दर्शन से बात कर रहे थे दर्शन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरी जिंदगी में आपने शायद ऐसा बोला कि सीएम आवास के बाहर जो है सपाटे लगाता हुआ उधर आ जाओ आप उधर इधर आ जाओ टार्जन भाई कोई कोई रुको करो बात रखी करें हैं तू आप आगे निकल क्या गौर किया जाएगा सर जिस प्रकार से कोई अपनी पर्सनल मांग नहीं मांग रहा है गाय माता के लिए गौर किया जाएगा जी 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 टार्जन भाई अभी ज्ञापन देंगे ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं करनाल ये देखो इतना सम्मान है गौ भक्ति दे सकता नहीं तो किल के मारने पाऊंगे करने पाऊंगे ये आपका पैर छुए नहीं तो ये गौ भक्त की सरलता है विनम्रता है इतना तकड़ा फौलाद भी आपके चरण स्पर्श कर रहा है ये है इसमें खूबी आप एक बार ये ज्ञापन दो मुख्यमंत्री निवास के सामने आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर जो है पहले हाथ जोड़े और फिर उसके बाद जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है तो इस वीडियो को देखने वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गौ माता की एक बार आप ही बोलो सरदार जी गौ माता की गौ दिवस लागू करवाने के बारे में ये आप देख सकते हैं शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं विषय है गौ माता को राष्ट्र माता व गौ दिवस लागू करवाने के बारे में भाई इनकी कोई पर्सनल मांग नहीं है गौ माता को लेकर पिछले कई दिनों से हरियाणा के तमाम जिलों में इसी प्रकार से सपाटे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ से एक बार आश्वासन और दे दो जी क्या आश्वासन बिल्कुल मैंने कह दिया हरियाणा के करनाल की तस्वीर और मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगी चलो ज्ञापन यहाँ पर सौंप दिया गया है और इनकी बात को मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अखंड बाल ब्रह्मचारी संजय देसी टार्जन डॉक्यूमेंट में नाम है संजय लिखो आप संजय गो भगत देसी टार्जन ठीक है जी और इनका एरिया लिखो ये हरियाणा के पलवल गांव कुशक बड़ोली पलवल हरियाणा हाँ गांव कुशक बड़ोली कुशक बड़ोली पलवल हरियाणा मेरे हिसाब से पब्लिक आज पहली बार सुनेगी जिनकी आवाज बिल्कुल
नहीं वैसे तो पूरी दुनिया में टंकता बज रहा है इस टाइम, ये बोलते कम है जी। हाँ हाँ बोलते कम है। 59 24 80 59 नंबर ना दिखाओ, नंबर ना दिखाओ। 24 22 85 80 59 24 22 85 80 59 24 22 85 85। पहलवान जी बता दीजिए क्या कुछ मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहिए, क्या निवेदन करना चाहिए? देखो वो हमारे राजा है और राजा का परम कर्तव्य बनता है कि प्रजा की बातों को सुनना और उन पर अमल करके अगर वो राष्ट्र के हित में कार्य कर रहे हैं तो उन पर मोहर मारना और उस बात का प्रचार करना और करवाना, उस बात को पूर्ण रूप से समर्थन देना। मांगे क्या है हमारे? देखो सबसे पहली मांग है गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। हाँ। दूसरी मांग गौ माता का दिवस लागू हो। और जी दोबारा बता दीजिए क्या मांगे है? पहली मांग है गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। हाँ। गौ माता का दिवस लागू हो। और हमारी तीसरी मांग है जो हरपूल जाट जुलानी वाले हुए विश्व के सबसे ताकतवर सबसे अच्छे महान क्रांतिकारी गोभक्त गोरक्षक, उनके हर जिले में हरियाणा में लाइब्रेरी बने ताकि नौजवान युवक युवती गौ माता की महिमा को समझ सके, चरित्र की महिमा को, और अपने जीवन को सफल बना और सके। उसी पुस्तिका में गाय का विज्ञान, भाई गाय के गुण क्या है, जहाँ पे अर्फुल जाट जुलानी वाले की पुस्तिका होगी उसी में गौ का विज्ञान, गाय की क्या गुणवत्ता है, वो लिटरेचर बच्चों को पढ़ाया जाए। और आज हम मेहनत करते हुए पसीना बहाते हुए जंगलों से लाने वाले भाई देसी पत्रकार भाई कर्मू है, इनों के माध्यम से और आप सबके आशीर्वाद से श्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के आवास पर पहुंचे और हमारे दर्शन जी, हाँ हमारे दर्शन जी ने कोठी के इंचार्ज है जो सीएम हाउस के, उन्होंने हमारी मांग को ज्ञापन दिया है। उनको ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूँ मैं कि उन्होंने हमारी पसीने की मेहनत की संघर्ष को देखते हुए उन्होंने विज्ञापन स्वीकार किया। अभी ये धन्यवाद अधूरा है। हाँ। ये पूरा धन्यवाद तब होगा जब इसके ऊपर मोहर लग जाएगी। हाँ। अभी तो आपको इसलिए धन्यवाद दे रहे ताकि आप धन्यवाद से खुश होकर के इस बात को आगे पहुँचा दो। कर्मु भाई इनसे बात कर लेते हैं, आखिरी सवाल आपसे ये है कि दिनचर्या क्या रहती है आपकी, क्या खाते पीते? दिनचर्या मैं गाँव कुशक बड़ौली पलवल हरियाणा का हूँ, बचपन से ही उत्तराखंड में रहता हूँ पहाड़ों में। ठीक। और संत गोपाल मणि महाराज जी गुरु जी है जो उनके पास अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आदि नरेश जी उनके पास गुरुकुल में। अच्छा। तो सुबह 3 बजे उठना और वो माता गोमूत्र पीना, दूध से बनी खीर खाना, प्रतिदिन 5,000 सपाटे दंड मानना डेली। अभी आपको बताऊँ उससे पहले 10 घंटे में 30,000 पुशअप्स का था रिकॉर्ड। अच्छा। तो जितने भी रिकॉर्ड बने भारत माता के चरणों में, गौ माता के चरणों में, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ 12 विश्व रिकॉर्ड। अगला टारगेट है 50,000 सपाटों का। देश के नौजवानों को भारतीय संस्कृति से जोड़कर, गौ माता से जोड़कर, सात्विक भोजन, शुद्ध विचार इंसान के जीवन को सफल बनाते हैं। चलो बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्लोज करते हैं।